हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सीएमए फाइनल एसएफएम जुलाई एग्जाम पेपर। तो न्यू सिलेबस का है ये, क्वेश्चन नंबर 5B का है, 5B। मेरा मोबाइल नंबर है आपका 9312606737। आप ये नंबर सेव करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो ये मैं आपको क्या कर दूंगा, अपना नाम लिखकर और सीएमए फाइनल लिखकर ये मैं आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। दूसरी बात है, मेरी यूट्यूब लाइव क्लास होती है उसकी भी लिंक मैं दूंगा और जितने भी पीडीएफ रिटर्न होगा वो भी आपको मैं सेंड करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 5B का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5B। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड द 3 म्यूचुअल फंड्स बीपी कंपनी ईयर 1, 2, 3, म्यूचुअल फंड एस, म्यूचुअल फंड टी, म्यूचुअल फंड जेड। कोरिलेशन बिटवीन द मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड, कोरिलेशन विद द मार्केट, ये एस का 0 पॉइंट, ये क्या है, कोरिलेशन रेग्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एंड मार्केट, कोरिलेशन रेग्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड टी एंड मार्केट, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल फंड जेड एंड मार्केट, दीज आर गिवन। वेरियंस ऑफ मार्केट, वेरियंस ऑफ मार्केट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशंस, मार्केट का स्क्वायर दैट इक्वल टू 9, मार्केट दैट इज 9√ दिस इक्वल टू 3, एंड रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज योर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रैंक द म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ शार्प मेजर, रैंक ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनर मेजर। अब देखिएगा शार्प मेजर होता क्या है, तो शार्प मेजर होता है रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री रिटर्न होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। और ट्रेनर मेजर क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैंने आपको रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, हियर इज द बीटा। इसका मतलब आप ट्रेनर रेशियो भी निकालेंगे, शार्प रेशियो भी निकालेंगे, जिसका हाई होगा उसका फर्स्ट रैंक होगा, जिसका लो होगा उसका सेकंड रैंक होगा, उसके बेसिस पे आपको रैंक को आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको सबसे पहले रैंक आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो होना जरूरी है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होना जरूरी है, बीटा ऑफ द म्यूचुअल फंड होना जरूरी है, बीटा ऑफ द आपको सारे म्यूचुअल फंड का होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें निकालना पड़ेगा, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एस, म्यूचुअल फंड टी, म्यूचुअल फंड जेड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होल रूट अंडर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एस। अब आपको क्या करनी है, बीटा ऑफ एस निकालने के लिए, बीटा ऑफ एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन म्यूचुअल फंड एक्स मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी दैट इज द पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड, स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट। तो फॉर दिस यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम म्यूचुअल फंड एस के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड एस। म्यूचुअल फंड एस को सबसे पहला वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी है। यहाँ पे एक्स आई मीन्स रिटर्न फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपका म्यूचुअल फंड इसमें क्या है, 10, 8, 12, 10, 8, 12, 10, 8, 12 दैट इक्वल टू 30 एक्स बार, 30 डिवाइडेड बाई 3 दिस इक्वल टू 10, हियर 10 माइनस 10 दिस इक्वल टू 0,
8 minus 10, this equal to minus 2, 12 minus 10, this equal to 2. Sum of deviation from mean is always 0. Sum of deviation from mean, जो deviation निकलता है उसका sum करेंगे तो हमेशा 0 होगा. इसको एक्सक्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एस, व्हाट इज द फॉर्मूला, रूट अंडर समेशन एक्स माइनस दिस होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होल डिवाइडेड बाय एन, होल डिवाइडेड बाय एन. तो रूट अंडर यहाँ पे 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, रूट अंडर 8 डिवाइड 3 रूट 1.8 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइड 3 रूट 1.633, यहाँ पे हो जाएगा 1.633 स्टैंडर्ड डेविएशन एस का हो जाएगा. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एस. नाउ म्यूचुअल फंड के लिए ये आपको बीटा निकाला जा सकता है, अब इससे बीटा भी निकाला जाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एस. तो बीटा ऑफ एस दैट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इक्वल टू रूट अंडर वेरियंस ऑफ मार्केट, दिस इक्वल टू 3. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज गिवेन इन द क्वेश्चन 0.45. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.45 और 1.633 होल डिवाइडेड बाय 3. तो कितना हो जाएगा ये 0.45 इंटू 1.633 डिवाइड 3. तो ये बीटा जो है 0.245 इज द बीटा. अब आपको दो चीज़ें निकालनी हैं, आपको शार्प रेशियो निकालनी है, टेनर रेशियो निकालनी है, और उसका रैंक निकालना है. टेबल शोइंग शार्प रेशियो एंड टेनर रेशियो एंड देयर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ शार्प एंड टेनर रेशियो. यहां पे आप लिखेंगे म्यूचुअल फंड, शार्प रेशियो रैंक ट्रेनर रेशियो रैंक म्यूचुअल फंड एस, शार्प रेशियो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिटर्न. तो रिटर्न इनका
जो एवरेज रिटर्न आया है वो दैट इज द 10%। तो यहाँ पे आपको 10% रिटर्न हो जाएगा, 10% माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्वेश्चन में, इट इज अ 7%। तो यहाँ पे 7% हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पी, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दैट इक्वल टू एस। तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाला था वो कितना आया था, 1.633, 1.633। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप देखिएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.633, 1.837, यहाँ पे हो जाएगा 1.837। अब आपको ट्रेनर रेशियो निकालनी है, तो ट्रेनर रेशियो में आपका जो फॉर्मूला होता है, ट्रेनर रेशियो में आपका फॉर्मूला, आपका आरपी, आरएफ, दिस योर बीटा। तो यहाँ पे 10% माइनस 7% बीटा, कितना बीटा निकला है इनका, 0.245, 0.245। तो 3 डिवाइड 0.245, 12.24, यहाँ पे 12.24 आ गया। उसी तरह आपके पास तीन में, जैसे हमने एस का किया उसी तरह म्यूचुअल फंड टी का करेंगे और म्यूचुअल फंड जेड का करेंगे। तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड टी हो जाएगा और म्यूचुअल फंड जेड हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए, मान लिया कि मैंने यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये 3 है मान लीजिए, और मैंने यहाँ पे माना 10 और यहाँ पे माना 14। अब आपको रैंक निकालनी है, तो सबसे हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक यहाँ पे देंगे। मैंने ये माना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ निकाला है और माना है, तो इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, दिस इज द योर फर्स्ट रैंक। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1.8, इसको आपको क्या रखेंगे हम, सेकंड रैंक देंगे, इसको हम थर्ड रैंक देंगे। इस केस में क्या होगा, इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, इसको हम सेकंड रैंक देंगे, इसको हम थर्ड रैंक देंगे। तो इस तरह हम रैंक कैलकुलेट करते हैं एज पर शार्प रेशियो, एज पर ट्रेनर रेशियो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन म्यूचुअल फंड चाहिए, बीटा ऑफ द म्यूचुअल फंड चाहिए, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, पोर्टफोलियो का आपका रिटर्न भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप टी का भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, जेड का भी कैलकुलेट कर लेंगे, और शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू।